Yesterday, I have given you a question that in which you will have to calculate the value of beta bulk modulus for adiabatic process. Clear? We know the value of beta is equal to minus V dP by dV. I have defined this already. And for adiabatic process, we know P V to the power gamma barabar constant. Now for the calculation of beta, we will have to calculate the value of dP by dV. Now I am going to differentiate this equation. And now differential form will be V to the power gamma plus gamma V gamma minus 1 P dV. Clear? You know the chain rule. That thing I have applied here. Now from this expression, differentiation of this constant will be zero. Okay? That's why here will be zero. Now V to the power gamma dP barabar minus gamma V to the power gamma minus 1 P dV. Clear? dP by dV, dP by dV, now minus gamma V to the power gamma minus 1 upon V to the power gamma. Minus gamma V to the power gamma minus 1 minus gamma. V to the power gamma minus 1 minus gamma. That's why the value of dP by dV will be minus gamma upon यहां P भी है बेटा, this P will be here, that's why into P minus gamma V to the power minus 1 into P. It means minus P by V into gamma will be the bulk modulus. Now I will use this value over here, beta barabar minus V dP by dP, dP by dV, that is minus gamma P by V. Beta is equal to gamma into P. This is final answer. It means the value of bulk modulus for adiabatic process is gamma into P. क्लियर? अब यदि आपको किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए वो बीटा पूछना चाहता है कि बीटा क्या होगा, तो आपको वो इक्वेशन देगा उस प्रोसेस की. यू विल अप्लाई दिस बेसिक डेफिनेशन ऑन दैट इक्वेशन. क्लियर? ओके. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नॉट नेक्स्ट टॉपिक, इट इज द सेम टॉपिक, नेक्स्ट कोफिशियंट, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक expansion coefficient. क्लियर? अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट की. यह टर्म भी हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं. यह टर्म पहले भी आ चुका है. यह थर्मल एक्सपेंशन में आया था. यदि हम सॉलिड और लिक्विड के हीट देकर उन्हें एक्सपेंड कराना चाहते हैं, तो हीट और एक्सपेंशन कितना हुआ, इसको इंटररिलेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती थी लिक्विड और सॉलिड की. वो प्रॉपर्टी का नाम था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट. ये हमने वहां डिफाइंड भी किया था, इसकी एक डेफिनेशन भी आपको दी थी. तो उस बेसिक डेफिनेशन को ही यहां यूज किया जाता है. क्लियर? गैस के लिए वहां हमें याद होना चाहिए कि वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था, वी फाइनल बराबर वी इनिशियल
वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्लियर। यहां हम अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट बोलते थे, वॉल्यूम के लिए आ जाएगा गामा, क्लियर। वॉल्यूम के लिए वहां यूज किया जाता था गामा, तो गामा मैं यहां भी यूज कर रहा हूं एडियाबेटिक कोफिशियंट के लिए, और यहां भी मुझे एक कांस्टेंट यूज करना है। तो आप क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि ये गामा यहां जो मैं लिखने जा रहा हूं इससे क्या प्रदर्शित होता है और इस गामा से क्या प्रदर्शित होता है, ये वाला जो गामा है, समझे। तो यहां भी कुछ किताबों में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट को भी गामा से ही प्रदर्शित किया जाता है, तो मैं और यहां एडियाबेटिक कोफिशियंट को भी गामा से ही प्रदर्शित किया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं यहां इस प्रकार से लिख देता हूं कि गामा एक्सपेंशन, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट, वहां भी अल्फा बीटा गामा, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट, बीटा एरियल एक्सपेंशन कोफिशियंट, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशियंट, और गामा क्या था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट। तो ये क्वांटिटी गैस के लिए मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। तो यहां से बेसिक डेफिनेशन से अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट की बात किया जाए तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल डेल्टा टी। आई बात समझ में, का मतलब इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा टी। तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहता हूं, यानी गैस के लिए एक्सपेंशन कोफिशियंट अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, वन बाय वी डी वी अपॉन डी टी। यहां निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है इन जनरल, क्लियर। अगर फ्री गैस किया जाए, गैस को फ्री किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए यहां निगेटिव नहीं आएगा। जैसे यहां निगेटिव आया था कि अगर मैं पी बढ़ाता तो वी घटता है, क्लियर। अब मेरे पास बेसिक डेफिनेशन एक्सपेंशन कोफिशियंट की आ चुकी है। ये एक्सपेंशन कोफिशियंट अलग अलग प्रोसेस की इक्वेशन पर यदि आप अप्लाई करोगे तो आपको गामा की अलग अलग वैल्यू मिलती है। सॉलिड और लिक्विड के केस में एक्सपेंशन कोफिशियंट अलग अलग नहीं आता है, किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं कहता हूं कि आयरन की एक सॉलिड वस्तु है मेरे पास, कोई एक बॉडी है किसी भी शेप की, क्लियर, तो उस आयरन का जो गामा होगा, एक्सपेंशन कोफिशियंट जो होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट, वो कांस्टेंट होगा। समझ में आई बात, वो किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। का मतलब यदि मैं किसी सॉलिड को टेम्परेचर देकर उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूं तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसको मैंने कितने प्रेशर दिया हुआ है। समझ में आई बात, इन जनरल सॉलिड के केस में, इन जनरल सॉलिड के केस में हम एटमॉस्फेरिक स्टेट में, जब प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एनवायरमेंट में मैंने उसको हीट दिया तो वो कितना एक्सपेंड हुआ, ये चीजें हम यहां से निकालते थे। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन मुझे ये बताता था कि यदि मैं एनवायरमेंट में रखे हुए किसी सॉलिड जिसका इनिशियल वॉल्यूम वी इनिशियल है, का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाता हूं तो उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो इन जनरल हम यहां प्रेशर कांस्टेंट मानते थे। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में जब ये डेफिनेशन मैंने यूज की है गामा के लिए, जहां ये इक्वेशन मैंने यूज की है, वहां जो प्रेशर होता था वो कांस्टेंट होता था। समझ में आई बात, क्लियर। यदि प्रेशर कांस्टेंट ना हो, प्रेशर भी वेरी करे, समझे, जैसे कि गैस के केस में अगर हम प्रेशर वेरी करते हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है रिजल्ट पे, समझे। तो गैस के लिए ये जो एक्सपेंशन कोफिशियंट होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है एक स्पेसिफिक गैस के लिए। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का गामा ये होगा, नहीं, ऑक्सीजन का गामा आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होगा, ये बात सही है, क्लियर। ऑक्सीजन का गामा आइसोबैरिक, आइसोथर्मल टेम्परेचर तो मुझे वेरी करना पड़ेगा, क्लियर, आइसोबैरिक स्टेट में कुछ आएगा टेम्परेचर, ऑक्सीजन का एक्सपेंशन कोफिशियंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट आइसोबैरिक स्टेट में कुछ और आएगा,
एडियाबेटिक स्टेट में कुछ और आएगा और किसी तीसरे प्रोसेस में कुछ और आएगा। तो कुल मिला के आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गैस के लिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट होता है ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ये एब्सोल्यूट मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन यहाँ ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। समझ में आई बात? यहाँ किसी प्रोसेस पे हम बात नहीं करते हैं कि ये प्रोसेस के लिए इक्वेशन लिखी हुई है। समझ में आई बात? हर एक केस में यही इक्वेशन हम यूज करते हैं, गामा बराबर डेल्टा वी आई बाई डेल्टा टी, ये बेसिक डेफिनेशन है। इससे मैंने गैस के लिए बेसिक डेफिनेशन निकाला। अब एक ही गैस का अलग अलग प्रोसेस में गामा अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस में वी पी और टी अलग अलग इक्वेशन के अनुसार एक दूसरे से रिलेट हो रहे होंगे। जैसे यदि मैं अब आपको बोलता हूं कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए किसी गैस, कोई भी एक गैस है, किसी एक गैस के लिए आइसोबैरिक प्रोसेस में गामा निकालो, तो वो कुछ और आएगा, क्योंकि उसमें डीवी बाई डीटी की वैल्यू कुछ और आएगी। समझे? अगर मैं कहता हूं आइडियाबैटिक के लिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो वो कुछ और आएगा। समझ में आया? तो वही मैं अब यहां कैलकुलेट करता हूं। अब हम कैलकुलेट करेंगे गामा फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए गामा क्या आएगा? अब बोलोगे आप आइसोथर्मल के लिए बताओ सर, आइसोथर्मल है तो फिर ये तो डिफाइन ही नहीं होगी ये चीज, तो आइसोथर्मल के लिए तो गामा डिफाइन ही नहीं होगा। किसके लिए? आइसोबैरिक के लिए। हम जानते हैं कि किसी भी गैस के लिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट गामा की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, मैथमेटिकल फॉर्म उस डेफिनेशन की ये होती है। अब इस डेफिनेशन को मुझे आइसोबैरिक प्रोसेस पे यूज करना है। आइसोबैरिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? पी कांस्टेंट। अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी बराबर क्या आएगा? आइडियल गैस इक्वेशन से पी बराबर जो आएगा वो आएगा एन आर टी बाय वी, और पी कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। किसी एक गैस के लिए n भी कांस्टेंट होता है, यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि t बाई वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आई बात समझ में? यदि p कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है इसलिए p कांस्टेंट है, तो अब इस इक्वेशन पर मैं dv बाई dt यानी ये डेफिनेशन अप्लाई करता हूं, यानी dv बाई dt की वैल्यू निकालता हूं, तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखे जाएगी? देखो, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी v टू दी पावर माइनस वन dt माइनस वन यानी v टू दी पावर माइनस टू dv इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा जीरो। इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म जीरो। अब ये कैसे किया मैंने? वी टू दी पावर माइनस वन, वी टू दी पावर माइनस एज इट इज रखा मैंने, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन फॉर्म, उसका टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन किया, और फिर किसका डिफरेंशिएशन किया? टी कांस्टेंट, वी का डिफरेंशिएशन, वी ऊपर जाएगा माइनस वन, माइनस आगे वी की पावर माइनस टू डी वी। क्लियर? या आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक ही बात है। तो यहां से आएगा वी टू दी पावर माइनस वन डी टी इज इक्वल टू वी टू दी पावर माइनस टू dv into t। मुझे क्या चाहिए? dv by dt। तो मैं यहां लिख सकता हूं v to the power minus 1 upon t v to the power minus 2 बराबर dv upon dt। यहां से dv by dt की वैल्यू थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, v to the power plus 2 हो जाएगा ऊपर, तो v by t आ जाएगा। आया? अब ये वैल्यू उठा के कहां पुट कर देते हैं? बेसिक डेफिनेशन में। तो गामा एक्सपेंशन ऑफ गैस जो आएगा वो क्या आएगा? वन बाय वी इंटू वी बाय टी, तो वी से वी गया। गामा बराबर क्या आया? गैस वन बाय टी। सिर्फ टेम्परेचर आ रहा है ना, वो भी वन बाय टेम्परेचर, यही इसकी यूनिट भी होती है, गामा की यही यूनिट भी होती है। कैसे पता ये बात? देखो,
डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल इंटू डेल्टा टी बराबर बोला था मैंने, डेल्टा वी, वी से वी कट गया, इसकी डायमेंशन बराबर, तो यानी गामा की डायमेंशन क्या आएगी, 1/थीटा, तो देखो 1/थीटा आ गई। हमने गलती नहीं किया, सही किया, ऐसे आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये मैं हटाने जा रहा हूँ, ये याद रखना मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया है। जरूरी नहीं है कि आपको आइसोबैरिक के लिए ही पूछे हो, वो बोल देगा कि एक प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन पी की पावर माइनस वन वी की पावर माइनस थ्री बराबर कॉन्स्टेंट है, समझे ना, ये बोला मैंने कि इस प्रोसेस के लिए बताइए गामा क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस, इस सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, क्या निकालेंगे, डी बाई डी टी यहां पुट करेंगे, क्वेश्चन सोल्व, समझ में आएगा नहीं, तो मैं इसको यहां से हटाने जा रहा हूं। अब हम गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ गामा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, कैलकुलेशन ऑफ गामा गैस एक्सपेंशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा बताइए क्या आएगा, नो प्रॉब्लम, हम जानते हैं कि गामा की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, 1/v डीवी बाय डीटी, क्लियर। अब फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि पी वी टू दी पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट होता है, तो अब इसमें क्या कर दें, वी और टी का रिलेशन लिखें, हम जानते हैं वी नो बाय आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि मेरे को डीवी बाय डीटी चाहिए तो यहां टी और वी होना चाहिए, समझे ना, टी और वी होगा तो ही मैं डीवी बाई डी टी कैलकुलेट कर पाऊंगा, तो इस पी को मैं एन आर टी बाई वी लिख देता हूं, लिख देते हैं एन आर टी बाई वी इंटू वी टू दी पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है टी इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट बाई एन आर, यानी एक नया कॉन्स्टेंट, ये लिखी हुई इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप तीन फॉर्म में लिख सकते हो, पीवी टीवी पीटी, समझे, तीनों ही फॉर्म आइडियाबेटिक प्रोसेस की फॉर्म होंगी, इक्वेशन होंगी। अब इस इक्वेशन में मुझे डीवी बाई डीटी निकालना है, तो डीवी बाई डीटी निकाल देते हैं। डीवी बाई डीटी निकालने के लिए फिर से वही प्रोसीजर, क्या है वो, टी के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो पहले टी का डिफरेंशिएशन आएगा 1, वी हो जाएगा एज इट इज प्लस, अब किसका करेंगे, टी एज इट इज रखेंगे और वी क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो पहले गामा माइनस वन आएगा, आगे आ जाएगा, फिर वी टू दी पावर गामा माइनस टू आएगा, और फिर आएगा डीवी बाय डीटी बराबर जीरो, या फिर उस तरीके से करो कि डिफरेंशियल फॉर्म लिख देते हैं, क्या किया मैंने, टी का डिफरेंशिएशन आएगा 1 टी के रेस्पेक्ट में, वी का एज इट इज रखते हैं, चैन रूल ही होता है, दो वेरिएबल अगर एक्स वाई प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, वो मैंने यहां यूज किया, टी के लिए 1 ये एज इट इज प्लस, अब टी एज इट इज फिर इसका डिफरेंशिएशन, और यहां एक्स की पावर एन वाली फॉर्म है तो एन आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी इसमें से और एक घटेगा गामा माइनस टू, और फिर वी का किया मैंने डी बाई डी टी, क्लियर, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब यहां से मुझे डी बाई डी टी चाहिए तो इस टर्म को इधर लेके जाते हैं, वी टू दी पावर गामा माइनस वन ये आएगा माइनस, तो वन माइनस गामा उधर जाके टी वी टू दी पावर गामा माइनस टू यहां आ जाएगा डीवी बाय डी टी, सिर्फ मैथमेटिक्स है। अब ये इसके नीचे आएगा वी टू दी पावर गामा माइनस वन अपॉन वन माइनस गामा इंटू टी अपॉन वी टू दी पावर गामा माइनस टू, यानी वो ऊपर आएगा तो मैं उसको यहां घटा देता हूं, और यहां आ जाएगा मेरे पास डीवी बाय डीटी। अब इस इक्वेशन से
जो डीवी बाई डीटी की वैल्यू आएगी वो फाइनली ये आएगी, गामा में से गामा गया जीरो, टू में से एक गया वन, यानी वी बाय वन माइनस गामा इंटू टी। ये रिजल्ट मेरे सामने आया। अब ये गामा कौन सा है बच्चों, ये गामा कौन सा है? ये है एडियाबेटिक कोफिशिएंट, और ये गामा एक्सपेंशन जो लिख रहा हूं ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, यहां गामा गैस एक्सपेंशन वन बाय वी इंटू डी बाई डी टी की वैल्यू कितना आया, वी अपॉन वन माइनस गामा टेम्परेचर, तो वी से वी गया, आंसर क्या आया, गामा एक्सपेंशन गैस बराबर वन बाय वन माइनस गामा टेम्परेचर, ये फाइनल रिजल्ट आया, समझे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो अब इसी प्रकार से नेक्स्ट कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। दो कॉन्स्टेंट मैं आपको समझा चुका हूं, हर एक प्रोसेस पे आप वो दो कॉन्स्टेंट्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोसेस। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि गैस का बल्क मॉडुलस क्या होगा, गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। मैं पहले भी दो टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बता चुका हूं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीवी और सीपी की बात हम कर चुके हैं, लेकिन वो बेटा स्पेसिफिक है, समझे ना, वो किसी एक विशिष्ट प्रोसेस के लिए है। विशिष्ट प्रोसेस कौन सा, जैसे सीवी, तो वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सीपी कॉन्स्टेंट प्रेशर की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो यदि आपको कोई रैंडम प्रोसेस दिया जाए, आइडियाबेटिक प्रोसेस की बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, या कोई एक नया प्रोसेस है पी वी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट, इसके लिए बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगी। बहुत सारे इन्फोनाइट प्रोसेस इस टाइप के एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान से देखें, जो मैंने शब्द यूज किए थे कि बेटा ये चैप्टर बहुत आसान है, सब चीजें बड़े अच्छे से इंटरलिंक्ड है, अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूं सबकी पीछे से लिंकिंग है, बड़े अच्छे से लिंकिंग है, आप फील कर रहे होंगे बात, तो इसकी भी जो नेक्स्ट आर्टिकल है देखो कितने अच्छे से ये लिंक्ड है पीछे वाले आर्टिकल से। क्या करने जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस, यानी ये फॉर्मूला जो अब आपको पता चलेगा, इस एक फॉर्मूले से आप किसी भी प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हम जानते हैं वी नो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, ये क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये होता है। Q क्या है, दी गई हीट, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W क्या है, किया गया वर्क, ये नोटेशंस हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो ये मत सोचेंगे कि आप सर उस किताब में तो ऐसा लिखा हुआ है आपने ये लिख दिया, ये सिर्फ नोटेशन है, आपको इन शब्दों का, इन नोटेशंस का क्या मतलब है वो समझ में आना चाहिए। दी गई हीट किसी गैस को, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट उस गैस की, उस गैस द्वारा किया गया वर्क, इस तरीके से रिलेट होते हैं, ये हमें फर्स्ट लॉ बताता है, क्लियर। अब इसको अगर हम और अच्छे से लिखें,
जैसे मान लेते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखें, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कुछ इस प्रकार से आएगी। dv क्या होता है, एफ आर बाय टू एन डी टी प्लस पी डी वी, डिफरेंशियल फॉर्म, ये मैंने डिफरेंशियल फॉर्म लिखा, क्लियर। अब इस डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप देखें एफ आर बाय टू, ये क्या होता है सीवी, ये होता है सीवी पी डीवी, क्लियर। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं एन डी टी से, किससे डिवाइड कर देता हूं एन डी टी से, तो यहां क्या आएगा सीवी प्लस यहां क्या आएगा पी बाय एन डीवी बाय डी टी, आया क्या, क्लियर आया ना। अब जरा देखो ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये टर्म क्या लिखा है, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस वी कैन राइट, किसी भी प्रोसेस में यदि मैं कुछ हीट देता हूं डी क्यू, तो उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, गैस के नंबर ऑफ मोल, उस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोई भी प्रोसेस सी एनी एनी प्रोसेस इनटू डीटी, हाँ या ना। यहां से मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूं कि सी एनी क्या आएगा, एनी प्रोसेस वो आएगा बाय एन डीटी, मतलब किसी भी प्रोसेस में गैस के एक मोल का टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उसको हीट दी जाती है उस प्रोसेस में, वो किसके बराबर होती है, उस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा फिर बोलता हूं, किसी भी अननोन प्रोसेस में गैस के एक मोल का टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए यदि हीट डी क्यू दी जा रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बराबर आ जाएगा डी क्यू के। तो इसका मतलब ये है कि डी क्यू अपॉन एन डी टी को मैं सी एनी लिख सकता हूं, और सी एनी यानी ये टर्म किसके बराबर आएगा, सी वी प्लस पी बाई एन डी वी अपॉन डी टी। तो यहां से मुझे पता चलता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सी वी प्लस पी बाई एन डी वी बाई डी टी होता है, क्लियर। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, सी वी क्या होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो डी वी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, यानी वी कॉन्स्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर ये बेसिक डेफिनेशन आप यूज करते हो तो डी वी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस प्रोसेस यानी आइसोकोरिक प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, सीवी, जो हमने आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर, चेक कर रहा हूं मैं कि क्या ये सही है जो आया है। कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए ये बेसिक डेफिनेशन अप्लाई की जाए यदि, वो क्या है, P बराबर कॉन्स्टेंट, यानी एन आर टी बाय वी बराबर कॉन्स्टेंट, P बराबर कॉन्स्टेंट का मतलब एन आर टी बाय वी बराबर कॉन्स्टेंट, उसमें डी वी बाई डी टी निकालते हैं। ये आइडियामेटिक था, इसको यहां से मैं हटा देता हूं, फिर समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि एन आर टी बाय वी बराबर कॉन्स्टेंट होता है, पी बराबर कॉन्स्टेंट, तो पी को एन आर टी बाय वी लिख सकता हूं मैं, समझे। तो यहां से अगर डी वी बाई डी टी की वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है एन आर टी वी टू दी पावर माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट, जो अभी किया था हमने, गामा निकाला था कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए, उसमें डी वी बाई डी टी ही निकाला था। तो डी वी बाई डी टी यहां से क्या आएगा, पहले वी टू दी पावर माइनस वन, इसका हो जाएगा वन, फिर माइनस वन वी टू दी पावर माइनस टू डी वी बाई डी टी बराबर जीरो, एन आर कॉन्स्टेंट में चला जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी, डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन बाय वी, यानी अगर
कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ये डेफिनेशन यूज किया जाएगी तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 1/V। देखो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ये अमाउंट क्या आता है, सीवी प्लस पी बाय नंबर ऑफ मोल इंटू ये क्या लिखा हुआ है 1/V लिखा हुआ है ना, डीवी बाय डी टी 1/V आ रहा है। एक बार चेक करने दो मेरे को, ये इधर जाएगा नीचे जाएगा 1/V बचेगा, बिल्कुल डी बाई डी टी 1/V आया, तो 1/V पुट कर देता हूं मैं यहां। अब 1/V पुट करने के बाद सी वी प्लस पी अपॉन एन वी आया मेरे पास सी एन ए, यहां पी को क्या लिखा जा सकता है, सी वी प्लस एन आर टी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन एन टी बाई वी स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, मुझे चेक करने दो। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पर यदि यूज किया जाए तो यहां सी पी क्या आएगा, यानी इसकी वैल्यू आर आनी चाहिए अगर ये कैलकुलेशन सही है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए पी वी बराबर कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी बाय वी बराबर कांस्टेंट। नाउ आई विल यूज दिस डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द डेरिवेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। देखो कैसे यूज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम ये बोलेंगे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में यदि प्रेशर कांस्टेंट है और तब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखी जाए तो वो आप कैसे लिखोगे, पी डी वी बराबर एन आर डी टी। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो पी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, और यहां से आ जाएगा डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू एन आर बाय पी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, देखो सी एन ई बराबर सी वी प्लस पी बाय एन इंटू डी बाय डी टी एन आर बाय पी। तो क्या आया सी एन ई, सी एन ई आया सी वी प्लस आर, और यही होता है सी पी। यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए भी इस इक्वेशन का रिजल्ट जो आना चाहिए सीपी वही आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो किसी भी प्रोसेस के लिए आपको मोलर स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन देती है, समझे। तो अब आप होमवर्क ही रहेगा कि ये बेसिक डेफिनेशन आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, क्लियर, फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस कैलकुलेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क कैलकुलेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट या फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी है, ये आपका होमवर्क है, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉली ट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसकी एक इक्वेशन से मैं अभी तक जो चार प्रोसेस हमने पढ़े हैं उन प्रोसेस को हम
प्रदर्शित कर सके, उन प्रोसेस के रिजल्ट को प्रदर्शित कर सके, समझे। मतलब कुल मिला के मैं एक इन जनरल इक्वेशन दूंगा आपको, इन जनरल एक प्रोसेस बताऊंगा, जिस एक प्रोसेस में अभी तक जो हमने चार प्रोसेस पढ़े हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक प्रोसेस, ये चारों प्रोसेस उस एक इक्वेशन से ही प्रदर्शित किए जा सके। ऐसी एक इक्वेशन हम यहां बनाएंगे, उस इक्वेशन को ही पॉलीट्रोपिक इक्वेशन बोला जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इन जनरल प्रोसेस है जिससे हम चार प्रोसेस को या चार से ज्यादा प्रोसेस को दर्शा सकते हैं। क्लियर, ये इस आर्टिकल में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से मतलब है कि यदि मैं इक्वेशन को पी वी टू दी पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लिखूं, अगर मैं प्रोसेस को इस फॉर्म में लिख रहा हूं पी वी टू दी पावर एन, ये एन है इस बार, एक कोई कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये कोई कॉन्स्टेंट है एन। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफिनिट कुछ भी हो सकती है। तो मैं कहता हूं कि ये मैंने एक इक्वेशन मानी, मान ली मैंने ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से क्या मैं अभी तक जो चार प्रोसेस हमने पढ़े हैं उनको दर्शा सकता हूं? देखो, यदि अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, क्लियर, एक टेबल बना लेते हैं, उससे आपको पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। उस टेबल में चार प्रोसेस लिखेंगे, कैसे, देखो, मैं मान लेता हूं कि इधर मैंने दर्शाया हुआ है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये लिख देता हूं मैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, यहां लिख देता हूं मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ट्रॉपिक प्रोसेस। इसकी इक्वेशन क्या है, पी वी टू दी पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट। अब फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, पहला जो हमने पढ़ा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट। तो टी कांस्टेंट से क्या आता है, पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू बराबर पी थ्री वी थ्री, यानी पी वी कांस्टेंट आता है। तो यहां आइसोथर्मल के लिए ये इक्वेशन आइसोथर्मल को प्रदर्शित करे, इसके लिए यदि मैं एन बराबर वन पुट कर देता हूं तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, PV बराबर कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तभी तो PV कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब यदि इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से आप आइसोथर्मल प्रोसेस को दर्शाना चाहते हो तो N की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1। क्लियर। अब सेकेंड सीरियल नंबर, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में मैं कहता हूं कि मेरे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट होता है। अब पी कांस्टेंट का मतलब पी बराबर कांस्टेंट आना चाहिए, पी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट कब आएगा, जब मैं एन बराबर जीरो पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, पी वी टू दी पावर जीरो बराबर कांस्टेंट, इसी का मतलब क्या होगा, पी कांस्टेंट। आई कहानी समझ में। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कौन था, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट का मतलब मैं वी को चेंज नहीं कर सकता हूं, वी का चेंज संभव नहीं है। अब वी का चेंज संभव नहीं है इसका मतलब V बहुत बड़ा है, अगर मैं V को ऑलमोस्ट इनफिनाइट मान लूं, समझे ना, V का इफेक्ट क्या मान लूं, इनफिनाइट का मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब इनफिनाइट में एक जोड़ूंगा या उसमें से एक घटाऊंगा, उसमें कुछ यूनिट ऐड करूंगा, उसमें से कुछ यूनिट घटाऊंगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, इनफिनाइट। यानी वॉल्यूम का इफेक्ट मुझे इनफिनाइट लेना है तो इस इक्वेशन के लिए मुझे एन बराबर इनफिनाइट पुट करना चाहिए और यहां हो जाएगा पी वी टू दी पावर इनफिनाइट बराबर कॉन्स्टेंट, और ये इक्वेशन दर्शाती है वी बराबर कॉन्स्टेंट।
क्योंकि आप इस इक्वेशन में अगर वी में एक जोड़ते हो, दो जोड़ते हो, कुछ यूनिट घटाते हो, कुछ यूनिट बढ़ाते हो, तो उसका इफेक्ट हमेशा क्या जाएगा, सेम जाने वाला इफेक्ट है। वॉल्यूम हमेशा क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब एन बराबर इन्फिनाइट है यहां, यानी इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एन बराबर यदि इन्फिनाइट लिया जाए तो ये इक्वेशन प्रदर्शित करती है आइसोकोरिक प्रोसेस को। अब फोर ऑप्शन नेक्स्ट क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस लिख देते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होती है, दी गई हीट सिस्टम को जीरो होती है या सिस्टम से हीट बाहर नहीं निकल सकती। तो यहां हम लिख देंगे डी क्यू बराबर कांस्टेंट, और इसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए एन होना चाहिए गामा। वो गामा क्या होता है, आइडियाबैटिक कोफिशिएंट, और इसके लिए इक्वेशन आती है पी वी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसके लिए इक्वेशन ये आती है पी वी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये इक्वेशन दर्शाती है आइडियाबैटिक प्रोसेस को, समझे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है वो आपको समझ में आया होगा, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन है, और इस एक इक्वेशन से मैं अभी तक जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं उन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को डेराइव कर सकते हैं। अब यहां से और भी रिजल्ट कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन निकाले, इस वाले कॉलम में मैंने आपको इक्वेशन बताया कि इक्वेशन क्या आती है, इसमें मैंने नाम लिखा प्रोसेस के नाम, इस वाले कॉलम में क्या लिखा है मैंने, नेम ऑफ द प्रोसेस। अब मैं यहां बात करता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी एन ए, किसी भी प्रोसेस के लिए सी क्या आएगी। तो यानी अगर मैं अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हूं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सी क्या आएगा। अब सी एन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी प्लस पी बाई एन डीवी बाई डी टी होता है। अब ये अगर आप इस पे यूज करोगे, किस पर, इस पर, तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डीवी बाई डी टी की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आएगी, देखो मुझे चाहिए V और T, और V और T अगर मैं इसमें यूज करता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा एन आर टी बाय V, यानी T V टू दी पावर N माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट, ये मुझे लिखना पड़ेगा। और यहां से डी बाई डी टी निकालता हूं तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी वन, V होगा N माइनस वन प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन T एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो N माइनस वन पहले आएगा और फिर v टू दी पावर n माइनस टू आ जाएगा और फिर आएगा dv बाई डी टी, आगे आएगा जीरो। तो यहां से dv बाई डी टी जो आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आया, इसको इधर लेके जाते हैं तो 1 माइनस n आ जाएगा, 1 माइनस n आ जाएगा, इसको यहां से इधर लेके जाते हैं, अब ऊपर बचेगा v टू दी पावर n माइनस वन, नीचे आएगा टेम्परेचर और माइनस एन प्लस टू। तो डीवी बाई डी टी जो आया ये आएगा वी टू दी पावर वन अपॉन वन माइनस एन इंटू टी। अब इसको यहां पुट करते हैं सी एन ए सी वी प्लस पी बाय एन वी अपॉन वन माइनस एन टी। पी वी क्या लिखते हैं, एनआरटी, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये वाला n अलग है और ये वाला n अलग है, याद रखना ये वाला n नंबर ऑफ मोल है और ये वाला n एक नंबर है, कोई भी नंबर, समझे, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में यहां लिखा जा सकता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, सी वी प्लस पी वी को लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल एन आर टी अपॉन n वन माइनस n इंटू टी, इस n से ये n गया तो मेरे पास आएगा सी वी प्लस आर, इस टी से ये टी गया, ये आएगा आर बाई वन माइनस एन सी एन ई। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मेरे पास सी पॉलीट्रॉपिक जो आएगा वो आएगा सी वी प्लस आर बाय वन माइनस एन। अब ये पूरा कंप्लीट करना है आपको, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए मैं बता चुका हूं आपको, इनमें से कुछ चीजों के लिए ये सी एन ई बता चुका हूं। अब आप कैलकुलेट करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को भी एक बार घर से दोबारा कैलकुलेट करेंगे क्या आता है, समझे।
आइसोथर्मल के लिए भी ये बेसिक डेफिनेशन यूज करोगे आइसोथर्मल के लिए. आइसोथर्मल क्या है? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. तो उसके लिए क्या आएगा? क्लियर, वो भी कैलकुलेट करोगे आप. आइसोथर्मल के लिए यानी डी टी बराबर जीरो, तो ये ऑलमोस्ट क्या आएगा? इनफिनाइट. अब दूसरी बात कर, मतलब अनडिफाइंड आएगा, ये कहेंगे कि अपरिभाषित है. परिभाषित ही नहीं होगा. डी टी बराबर जीरो होने का मतलब क्या है? कि आप एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा सकते हो. आप एक साइड में क्या बोल रहे हो? आइसोथर्मल. और दूसरे साइड में आप कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हो? सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो वो डिफाइंड कैसे हो पाएगी? क्योंकि उसके डेफिनेशन में क्या आता है? एक मोल का टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. अगर आप प्रोसेस को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोल दोगे तो ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी. इसका मतलब यहां अनडिफाइंड आएगा. सी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अनडिफाइंड. कॉन्स्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करेंगे आप, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और एडियाबेटिक भी कैलकुलेट करेंगे. तो बेटा ये आपका होमवर्क है, ये भी आप कंप्लीट करके लेके आएंगे. ये आपको घर ही कंप्लीट करना है अपने नोट में. आपको अगर ये कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछेंगे. एडियाबेटिक प्रोसेस जो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस को ही एक्सटेंड करेंगे. उसमें अभी डेरिवेशंस बाकी हैं. क्लियर? जैसे मैंने आपको चार प्रोसेस कल समझाए थे, हर चार प्रोसेस में अलग अलग मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज किया था और जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते थे वो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी. तो उसमें ही स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पर. फर्स्ट लॉ को यूज करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी, इक्वेशन ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस. आइडियाबैटिक प्रोसेस कल शायद मैंने इक्वेशन जो ये स्पेलिंग है ये शायद गलत है कल वाले लेक्चर में, तो बेटा उसको सही कर लेना. आइडियाबैटिक प्रोसेस ये होती है शायद इसकी स्पेलिंग. क्लियर? इसमें हमारा रिजल्ट आया था कि पी वी टू दी पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट. ये इक्वेशन हमारी आई थी रिजल्टेंट, और इसमें हमने बोला था कि गामा जो आता है वो आता है 2/f. ये कल देखा होगा आपने. इसका नाम होता है, गामा का नाम क्या है? एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कोफिशिएंट. ये इसका नाम होता है. Here, gamma is adiabatic coefficient. अब इस गामा पर ही थोड़ी बातें करते हैं पहले. ये गामा एक्चुअल में और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? एक फॉर्मूला होता है 1/1 + 2/f गामा के लिए. और भी इसकी कुछ फॉर्म हो सकती है क्या, उस पर बात कर लेते हैं. देखो CP क्या होता है? CP कल हमने प्रूव किया था, CP होता है क्या होता है? CP 2/ ये एक बार याद करने दो मेरे को, आया था सीपी बराबर आया था सीवी प्लस आर. और इनको अगर मैं एफ के टर्म में लिखना चाहता हूं तो ये सीपी V जो होता है ये होता है एफ आर बाई टू प्लस आर. तो CP ये आया था कल, एफ आर बाई टू यानी एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, ये आया था कल CP. और CV होता है ये एफ आर बाई टू. तो मैं यहां से CP और CV की फॉर्म में F निकाल देता हूं और वो इसमें पुट कर दूंगा. समझे क्या बोल रहा हूं मैं? कि मैं F निकाल देता हूं किसकी फॉर्म में? CP और CV की फॉर्म में ये निकाल देता हूं. तो पहले मैं CP को लिख लेता हूं F के टर्म में और CV को लिख लेता हूं F के टर्म में. ये मैंने देखा अभी कि ये क्या आया, F by 2 plus 1 into R. ये CP F के टर्म में आया. CV F के टर्म में क्या आता है? F R by 2. देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को ही CV बोलते हैं. तो मैंने ये अलग अलग F के टर्म में सॉल्व किया. क्लियर? अब F की वैल्यू अगर मैं यहां से या यहां से पुट कर लेते हैं, F यहां से निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं. हम जानते हैं कि गामा बराबर होता है 1 + 2/f. F क्या आया? 2CV/R. R आ जाएगा यहां, कोई दिक्कत? F बराबर क्या आया? 2CV/R. तो 2CV/R. क्लियर? अब देखो इसमें ये इधर जाएगा 2CV + 2R अपॉन 2CV, लिख सकता हूं. तो गामा बराबर आएगा CV R.
टू कॉमन ले लेता हूं, सी वी प्लस आर बाय टू सी वी। अब सी वी प्लस आर मेयर फॉर्मूले से क्या होता है, टू सी पी अपॉन टू सी वी, टू से टू गया, तो गामा का जो नया रिलेशन मेरे पास आया वो आया सी पी बाय सी वी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और दूसरा कौन सा, वन प्लस टू बाई एफ, आप इसको याद रखेंगे। गामा सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है और सीपीसीवी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, तो गामा को सीपीसीवी के फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। ये दो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने हर प्रोसेस में आपको वर्क डन क्या आता है यह भी बताया था, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब किसके बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में वर्क क्या आया था, एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल या एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। कॉन्स्टेंट प्रेशर में क्या आया था, पी डेल्टा वी, क्लियर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या आता है देख लेते हैं, वर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, पी डी वी इंटीग्रेशन। हम जानते हैं कि यहां वॉल्यूम पे प्रेशर डिपेंड करता है, यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये कांस्टेंट है, तो बेटा इस पी को बाहर नहीं लिया निकाला जा सकता है, जैसे कांस्टेंट प्रेशर में हमने इसको बाहर इंटीग्रेशन से ले लिया था, यहां नहीं ले पाएंगे। तो अब मैं वी नो ये जो डेफिनेशन है वर्क की, इस इक्वेशन पर अप्लाई करता हूं, पी वी टू दी पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं, ये आप सिर्फ याद मत रखना कि आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही ये तरीका है। आप समझो मैं क्या कर रहा हूं, ये वर्क की डेफिनेशन इस इक्वेशन पे अप्लाई कर रहा हूं, ये इक्वेशन आइडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, इसलिए ये वर्क किसका होगा, आइडियाबेटिक प्रोसेस का। अगर मैं यहां इक्वेशन कुछ भी लिख देता हूं, पीवी टू दी पावर थ्री, पीवी टू दी पावर सेवन, समझे ना, पी की पावर माइनस वन, वी की पावर कुछ समथिंग, यहां इक्वेशन कुछ भी हो, आप उस इक्वेशन पे ये वर्क की डेफिनेशन अगर अप्लाई करेंगे तो जो वर्क आएगा वो उस प्रोसेस का वर्क आएगा। इस प्रकार से आप चीजों को समझेंगे, ये इक्वेशन आइडियाबेटिक की है इसलिए ये वर्क आइडियाबेटिक का आएगा। अब इसके बाद ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, समझे ना, कैलकुलस मैथमेटिक्स है। बड़ा आसान है, इस पी को वी के टर्म में निकाल दो। मैंने बोला था आपको इस चैप्टर में कैलकुलस मैथमेटिक्स है ज्यादा, जो हमें इक्वेशन पे यूज करना होता है, कुछ भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज इंटरलिंक्ड है बड़े अच्छे से। अब यहां पी को वी के टर्म में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको कांस्टेंट मान लेता हूं, सी वी टू दी पावर गामा, पुट कर देते हैं यहां, इंटीग्रेशन वन बाय वी टू दी पावर गामा डी वी, क्लियर। वॉल्यूम मान लेते हैं वी वन से वी टू तक मैंने एक्सपेंड कराया गैस को, इसमें वर्क बताना है, बड़ा आसान है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, वी टू दी पावर माइनस गामा डी वी, इंटीग्रेशन वी वन से लेके वी टू, क्या आएगा, यहां वी टू दी पावर माइनस गामा, वी टू दी पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन जो आएगा माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, यही तो होता है इंटीग्रेशन। फिर लिमिट लगा देंगे वी वन वी टू, अब इसमें लिमिट लगा के यहां क्या आएगा, एक कांस्टेंट भी तो आएगा सी बाई, यहां कांस्टेंट लिख देते हैं बाहर, आएगा ना, कांस्टेंट भूल गए थे हम, कांस्टेंट आएगा, तो यहां आएगा सी वी वन माइनस गामा वी टू माइनस वी वन वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, ये तो कांस्टेंट ही है, चेंज क्या आएगा, सिर्फ ऊपर चेंज आएगा, पहले मैं रखूंगा वी टू माइनस करके फिर वी वन, तो ये आएगा, ये नीचे सेम रहेगा, क्लियर। तो ये आया, अभी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सी वी टू, सी वी टू सी वी टू अपॉन वी टू दी पावर गामा
v to the power gamma minus c v1 upon v1 की पावर गामा. ये माइनस वाला टर्म इसी में नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत? अरे v टू द पावर 1 माइनस गामा का मतलब क्या है? v अपॉन गामा, समझे ना? जो नीचे वाली पावर होती है वो तो माइनस में जाएगी ऊपर, तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे लिखा मैंने और नीचे वाले टर्म को एज इट इज 1 माइनस गामा. अब जरा ध्यान से देखो कि यदि v1 पुट करने पर प्रेशर P1 आता है तो हम लिख सकते हैं, यहां कर देता हूं, नाउ बाय द इक्वेशन ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस हम लिख सकते हैं कि V1 वॉल्यूम पे यदि प्रेशर P1 है तो की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट जो कि C है, ये तो लिख सकता हूं मैं, बोलो. तो जो C की वैल्यू है V2 के टर्म में, यानी ये वाली पुट कर देते हैं, क्या आएगा? वर्क डन, C की वैल्यू ये है ना V2 के टर्म में, तो यहां पुट कर देते हैं तो यहां आएगा P2 V2 की पावर गामा, यहां V2 की पावर गामा कट जाएगा तो आएगा V2 माइनस C की वैल्यू 1 के टर्म में, तो यहां 1 के टर्म में पुट कर देते हैं, वो क्या आएगा? P1 V1 की पावर गामा, और ये V1 की पावर गामा काट देगा उसको, क्या आएगा? V1 अपॉन 1 माइनस गामा. तो ये आता है आइडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क. क्लियर? ये आइडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क आता है. अब यदि मैं बोलता हूं कि यहां P V टू दी पावर n है तो उस प्रोसेस का मुझे नाम तो नहीं पता है, ये डेफिनेशन अगर मैं उस पर यूज करूंगा तो यहां क्या आएगा? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस n, गामा की जगह क्या रख देंगे? उसका नाम होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे. क्लियर? तो ये आया हमारा फाइनल वर्क डन. ये वाला स्टेप ध्यान से समझना कि मैंने सी को क्या लिखा और उसकी वैल्यू यहां पुट किया, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा, 1 माइनस गामा को गामा वाला टर्म नीचे लिख दिया, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये हुआ वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस. क्लियर? अब हम कुछ गैस के कॉन्स्टेंट की बात करेंगे. सम कॉफिशियंट ऑफ गैस, पहला इसमें आता है बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस. अब देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है. ये जो बल्क मॉडुलस है ये हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये पहले भी आ चुका है. कहां आया था बल्क मॉडुलस? ये आया था इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, जहां मैंने आपको बोला था कि एक डिफॉर्मेशन इस प्रकार से होता है कि वो बॉडी की वॉल्यूम में चेंज करता है. तो वहां डिफॉर्मेशन के लिए जो एक मॉडुलस आता है उसका नाम दिया जाता है बल्क मॉडुलस. यहां भी चूंकि गैस एक बर्तन में रखी जाएगी और बर्तन का वॉल्यूम होगा, तो यहां भी इस प्रकार का एक कोफिशिएंट मॉडुलस डिफाइंड होता है, बल्क मॉडुलस उसका नाम होता है. यहां भी डेफिनेशन सेम होगी जो डेफिनेशन वहां थी. क्या याद है आपको वहां डेफिनेशन क्या होती थी बल्क मॉडुलस की? वहां डेफिनेशन उस चैप्टर में क्या होती थी, याद करो एक बार, मुझे भी याद करने दो. वहां होती थी डीपी, बल्क मॉडुलस को इस प्रकार से दर्शाते थे हम, डेल्टा वी इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम यहां लिख दिया जाता था, समझे ना? ये डेफिनेशन हम सॉलिड के केस पे पढ़ते थे कि अगर थोड़ा इंक्रीमेंट किया जाए डेल्टा पी किसी वॉल्यूम पर, इनिशियल वॉल्यूम वी पर, तो उसमें जो डिक्रीमेंट होता है वॉल्यूम में, तो वो इस प्रकार से बल्क मॉडुलस के साथ रिलेट होता है, v इंटू डेल्टा पी बाई वी. ये डिक्रीमेंट है इसलिए यहां माइनस भी लगा होता है साथ में, मोड लगा देते हैं, समझे ना? तो यही डेफिनेशन यहां गैस में यूज किया जाता है. अब गैस में यहां डेल ना लिख के डिफरेंशियल फॉर्म लिखी जाती है, रो बराबर v इंटू डी पी अपॉन डी वी माइनस के साथ, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम जनरली डिक्रीज ही होता है, तो इसलिए माइनस मुझे लिखना चाहिए. अब यहां ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती थी, किसमें? अगर सॉलिड के बल्क मॉडुलस की बात किया जाए, सॉलिड के
बल्क मॉडल्स में यानी बल्क डिफॉर्मेशन में जब हम प्रेशर लगाकर उसके वॉल्यूम को चेंज करते थे तो रिजल्ट इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता था कि टेम्परेचर क्या है। समझ में आई बात? इस पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड नहीं करता था। टेम्परेचर यदि अलग अलग हम लेते हैं तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आते थे। लेकिन गैस के केस में अगर आप प्रेशर लगा के गैस के वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हो, प्रेशर बढ़ा के या घटा के, तो इस बात का रिजल्ट इस पॉइंट पर बहुत डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या रखा है आपने। समझे ना? प्रेशर लगा के यदि वॉल्यूम चेंज करना चाहते हो आप, तो इस प्रोसेस के दौरान आप टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हो इस बात पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। समझ में आई बात? क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि गैस की स्टेट को समझाने के लिए तीन चीजें की जरूरत होती है, पीवीटी, स्टेट वेरिएबल। समझ में आई कहानी? तो बेटा यहां एब्सोल्यूट नहीं होता है किसी गैस का बल्क मॉडुलस, यहां प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि बल्क मॉडुलस इस गैस का इस प्रोसेस के लिए कितना आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस में पीवीटी एक इक्वेशन के अनुसार रिलेट करते हैं एक दूसरे पे, वो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे। आई कहानी समझ में? तो यदि बल्क मॉडुलस की बात किया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए तो वो कुछ और आएगा, बल्क मॉडुलस की बात किया जाए कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट दूसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम के लिए, तो वो कुछ अलग और आएगा। समझे? कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो ये चीजें डिफाइन ही नहीं हो पाएंगी। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब डीपी जीरो आएगा, समझे ना? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इसके अलावा भी तो बहुत सारे होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के अलावा भी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसकी बात मैंने अभी तक नहीं की है, पी वी टू द पावर एन बराबर कांस्टेंट जिस प्रोसेस की इक्वेशन होती है उसको पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक्चुअल में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, बात में बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे। वो कोई प्रोसेस नहीं है, वो एक जनरल तरीका है कि सारे के सारे प्रोसेस एक इक्वेशन से हम प्रदर्शित कर सके, उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। तो उसकी बात करूंगा मैं बाद में, छोटा सा पॉइंट है वो, समझा दूंगा मैं आपको। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन अलग अलग आती है। समझे ना? अलग अलग प्रोसेस की इक्वेशन अलग अलग हो सकती है। क्लियर? आइडियाबेटिक पीवी टू दिगा बराबर कॉन्स्टेंट, कोई और प्रोसेस हो सकता है पीवी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट, पीवी क्यूब बराबर कॉन्स्टेंट। तो सबके लिए ये बीटा अलग अलग आएगा, तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। तो आइसोथर्मल के लिए बीटा फॉर आइसो थर्मल प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये बताते ही, जो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं ये सिखाते ही समझो कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। शब्दों पे ध्यान देना कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब ये जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है ये प्रोसेस की इक्वेशन पे अप्लाई कर दो, जैसे मैंने वर्क की बेसिक डेफिनेशन प्रोसेस की इक्वेशन पे अप्लाई की, उसी प्रकार से मैं अब ये बीटा की बेसिक डेफिनेशन किस पे अप्लाई कर देता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब पीवी बराबर कॉन्स्टेंट, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर टी कॉन्स्टेंट है तो यह पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि टी कांस्टेंट, ये दोनों पहले से ही गैस के लिए कांस्टेंट होते हैं। तो इस इक्वेशन पे यदि मैं डीपी बाई डीवी निकालता हूं तो वो क्या आएगा, देखो कैसे निकालेंगे। इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूं तो कांस्टेंट ये जीरो हो जाएगा, पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर जीरो आएगा। मुझे चाहिए डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी, तो मैं लिखता हूं पी अपॉन वी माइनस डीपी बाय डीवी, ये आया, और माइनस डीपी बाई डीवी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। यहां से बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस वी डीपी बाई डीवी पुट कर देते हैं उसमें, ये आएगा पी बाय वी, तो वी से वी गया, तो बीटा बराबर क्या आया, माइनस तो हट जाएगा प्लस पी। यानी जो बल्क मॉडुलस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो गैस के प्रेशर के बराबर आता है। समझ में बात क्या बोला मैंने, आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस गैस का गैस के प्रेशर के बराबर आता है। अब यही बात आप किसके लिए कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ बीटा फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस,
प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो पी वी टू दी पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट होती है। ये आपका होमवर्क है कि अगर मैं इस इक्वेशन पर ये बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करता हूं, मतलब इसको से क्या निकाल दें, डीपी बाई डीवी की इक्वेशन निकाल दें, फिर से आप यही चीज इसमें करो, कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा तो डीपी बाई डीवी क्या आएगा इसमें पुट करेंगे और यहां से आपको बीटा की कैलकुलेशन करनी है। ये आपका होमवर्क है, समझे? ये कैलकुलेट करके मेरे को बताओगे, फिर मैं और ज्यादा आपको नेक्स्ट जो कोफिशियंट होता है उसके बारे में बताऊंगा और इससे और किस प्रकार से क्वेश्चन किए जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।